चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। जी का एक अच्छा बच्चा था, पर वो बहुत आलसी था, खासकर तब जब उसे अपना होमवर्क करना हो। होमवर्क कितना बोरिंग है, पहले मैं खेल लेता हूँ फिर अपना होमवर्क करूँगा। चीका हमेशा ही ऐसे बहाने बनाता जब उसकी माँ उसे अपना होमवर्क करने को कहती। चीका प्लीज अपना होमवर्क कर लो, बस तुम्हारे कुछ ही सवाल तो रह गए हैं। मैं बाद में करूंगा माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ। चीका झूठी कहानियाँ भी बनाता था जब उसकी टीचर उसे होमवर्क दिखाने के बारे में पूछती। चीका चलो अपना होमवर्क दिखाओ। उसे मेरा डॉगी खा गया मिस डोरोथी। चीका की माँ एक दिन मिस डोरोथी से मिलने आई, वो चीका की मनपसंद टीचर थी। चीका अपना होमवर्क कभी नहीं करता मिस डोरोथी, चाहे मैं उसे कितनी बार क्यों ना कहूँ। मेरे पास एक तरकीब है, हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आज के बाद चीका हमेशा अपना होमवर्क करेगा। मिस डोरोथी ने उस दिन बच्चों को होमवर्क दिया। सुनो बच्चों, आप सब अपना होमवर्क आज ही पूरा कर लेना, ये बहुत जरूरी है, मैं उसे कल चेक करूंगी। पर मिस डोरोथी के याद दिलाने के बावजूद चीका ने उस दिन अपना होमवर्क नहीं किया। ला 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 ला। अगले दिन मिस डोरोथी ने क्लास में एक घोषणा की। बच्चों तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हमारे प्रिंसिपल ने स्कूल के बगीचे में आप सभी को बुलाया है। स्कूल के बगीचे में? हाँ, वहाँ तुम सब बागवानी करना सीखोगे। तुम सबको मिलेगी खास टोपी और औजार और असली बागवानी करने का मौका भी। हुरे! सारे बच्चे सुनकर खुश हुए, खासकर चीका। चीका बगीचे में जाने को बेताब था क्योंकि बागवानी करना उसके मनपसंद कामों में से एक था। हम बगीचे में कितने बजे जाएंगे मिस डोरोथी? जैसे ही मैं सबका होमवर्क चेक कर लूंगी। प्रिंसिपल ने कहा है कि वो बगीचे में उन्हीं बच्चों को आने देंगी जिन बच्चों ने अपना होमवर्क पूरा किया हो, इसलिए बच्चों चलिए अपना अपना होमवर्क दिखाइए। हाँ। चीकू और दूसरे बच्चों ने मिस डोरोथी को अपना होमवर्क दिखाया। मैंने अपना होमवर्क कर लिया मिस डोरोथी। और मैंने भी, पर चीका ने अपना होमवर्क नहीं किया था। इसलिए चीका ही वो बच्चा था जिसे बगीचे में नहीं जाने दिया गया। मुझे भी बागबानी करनी है मिस डोरोथी। अगर आज तुम अपना होमवर्क करोगे चीका, तो कल हम सब बगीचे में जा सकेंगे।
उस शाम चीका ने अपना होमवर्क बिना किसी के कहे पूरा कर लिया। उसकी माँ ने उसे एक बार भी याद नहीं दिलाया। अगले दिन चीका ने तुरंत ही अपना होमवर्क मिस डॉर्थी को दिखा दिया। मैंने होमवर्क कर लिया मिस डॉर्थी। बहुत बढ़िया चीका, तो आज तुम भी सबके साथ बागवानी करोगे। हुर्रे! मिस डॉर्थी सबको एक बार फिर बगीचे में ले गईं और इस बार चीका को एक टोपी और औजार भी मिले और उसने अपने दोस्तों के साथ बागवानी की। हुर्रे! उस दिन के बाद से चीका अपना होमवर्क हर रोज खुद ही कर लेता। इससे मिस डॉर्थी और उसकी माँ को उस पर बड़ा नाज हुआ। चीकू की माँ उसे हमेशा याद दिलाती कि वो अपने हाथ ध्यान से धोया करे। चीकू, चलो जाकर अपने हाथ धो लो खूब सारे साबुन और पानी से। ये सबसे बढ़िया तरीका है हाथ साफ रखने का। मिस डॉर्थी ने भी तुम्हें बताया है ना कि अपने हाथों को साफ रखना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है मॉम। पर चीकू बहुत ज्यादा बेसब्र थी, वो तो एक मिनट भी हाथ धोने में गंवाना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो अपने हाथ गीले करके आ जाती और ऐसे दिखाती जैसे वो उन्हें धो के आई है। क्या तुमने अपने हाथ धो लिए हैं चीकू? हाँ मॉम। पर मुझे तुम्हारे हाथ अभी भी गंदे दिख रहे हैं चीकू। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह जाकर अपने हाथ फिर से धो लो। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर से बात नहीं मानी, ना ही हाथ ढंग से धोए। एक दिन चीकू गार्डन में खेलने के लिए गई। उसने सैंड बॉक्स में मिट्टी के घर बनाए और वहाँ पर वो सीसो और झूले पर भी बैठी। ला ला ला, ला ला ला। जब चीकू वापस घर गई, तो खाने का टाइम था। चीकू, चलो जाओ अपने हाथ अच्छे से धो लो इससे पहले कि तुम अपना खाना खाओ। ठीक है मॉम। पर चीकू ने फिर भी अपने हाथ धोने की नहीं सोची, बल्कि वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगी, जबकि बहुत से गंदे कीटाणु चीकू के हाथ पर चढ़ गए थे जब वो पार्क में खेल रही थी। और चूंकि चीकू ने अपने हाथ धोना जरूरी नहीं समझा था, कीटाणु वहीं रह गए थे। सारे कीटाणु चीकू के खाने पर आ गए और फिर वो सारे सीधे उसके पेट में चले गए। अगली सुबह जब चीकू उठी, उसे लगा कि वो बहुत बीमार महसूस कर रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, लगता है मुझे जुकाम हो गया है। मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। मुझे लगता है तुम्हें बुखार हो गया है चीकू। क्या तुमने कल खाना खाने से पहले अपने हाथ धोए थे? नहीं मॉम, मैंने नहीं धोए। तुम्हारे हाथ पर लगे कीटाणु तुम्हारे पेट में चले गए होंगे जिससे तुम बीमार हो गयी। वो मेरे पेट में है। हाँ चीकू, तुम्हें आज स्कूल से छुट्टी लेनी होगी और डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ, पर आज तो मेरा टेनिस मैच है और मेरे दोस्त चाचा का जन्मदिन भी है। अगर स्कूल नहीं गई तो ये सब छूट जाएगा। मुझे इस बात के लिए माफ करना चीकू, पर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। चीकू डॉक्टर के पास चली गई। चीकू, जो जम्स तुम्हारे हाथों पर थे वो तुम्हारे पेट में चले गए हैं।
उसी से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं तुम्हें दवाई देता हूँ जिसे खाकर तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन याद रखना कि तुम हमेशा अपने हाथों को साबुन से और पानी से अच्छे से धोना, खासकर अपना खाना खाने से पहले। कीटाणु से दूर रहने का ये सबसे बढ़िया तरीका है और स्वस्थ रहने का भी। फिर डॉक्टर ने चीकू को दिखाया कि उसे अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। सुनो चीकू, पहले हाथों को गीला करो, फिर साबुन लगाओ, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को गोलाई में रगड़ो। इसी तरह हथेलियों के पीछे भी अच्छी तरह रगड़ो। इसके बाद उंगलियों के बीच ऊपर और नीचे, फिर उंगलियों को आपस में फंसाकर हथेलियों को ऊपर और नीचे से मलो। अंगूठों को चारों तरफ से अच्छी तरह रगड़ो। हाथों को और उंगलियों को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह रगड़ो। फिर साबुन को पूरे हाथ में फैलाकर अच्छे से रगड़ो। आखिर में ढेर सारे पानी के साथ हाथों को धो लो। तब से चीकू ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि वो अपने हाथ अच्छे से धोया करे, खासकर खाना खाने से पहले। इस तरह से चीकू हमेशा स्वस्थ रही और उसने कोई भी मस्ती मिस नहीं की। नन्हा चाचा अपनी लिखावट को लेकर हमेशा परेशान रहता। उसे लगता था कि लिखना बहुत कठिन है। वो हमेशा बहाने बनाता जब भी उसे कुछ लिखना होता। चाचा, मैं तुम्हारे लिए कुछ पेंसिल्स लाई हूँ, क्यों ना तुम कुछ अक्षर लिखकर देखो इनसे। नहीं माँ, लिखना बहुत मुश्किल है, मैं फिर कभी कोशिश करूँगा, अभी मैं खेल रहा हूँ। चाचा की माँ जानती थी कि ये बहुत जरूरी है चाचा के लिए कि वो कुछ लिखना सीख ले। चाचा हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है जब भी मैं लिखने को कहती हूँ। हमें कुछ करना चाहिए चाचा को ये दिखाने के लिए कि कैसे लिखना आसान है और मजेदार भी। चाचा के माता पिता मिस डॉर्थी से मिलने गए। वो चाचा की पसंदीदा टीचर थी। मिस डॉरथी, चाचा मानता है कि लिखना बहुत मुश्किल काम है। वो हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता है जब भी मैं उसे कुछ लिखने को कहती हूँ। चिंता मत कीजिए, हम चाचा के लिए लिखना मजेदार बना देंगे। फिर उसके बाद उस दिन मिस डॉरथी चाचा की कक्षा में गई। बच्चों, ये बताओ हमारी कितनी उंगलियां हैं? चाचा, क्या तुम बताओगे? हमारी 10 उंगलियां हैं मिस डॉरथी, 5-5 दोनों हाथों में। तुमने सही कहा चाचा, पर क्या तुम्हें पता है कि हमारी उंगलियां कितनी मजबूत हैं? इनसे तुम बहुत कुछ कर सकते हो और इसीलिए हमें इन्हें और बलवान बनाना चाहिए। तो फिर चलो चाचा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मिस डॉर्थी ने चाचा को दिखाया कि उंगलियों से कैसे पेंट कर सकते हैं। अपनी उंगली को रंग में डुबो, अब उसे कागज पर रखकर चलाओ। बहुत अच्छे, अब फिर से अपनी उंगली को रंग में डुबो और लिखो
ए। ये तो मजेदार है। चाचा को अपना नाम रंग से लिखकर खूब मजा आया। फिर मिस डॉर्थी चाचा को मिट्टी के ढेर के पास ले गई। उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे वो मिट्टी में अक्षर लिख सकता है। चलो आओ चाचा, अब हम मिट्टी में अक्षर लिखते हैं। ए, मिस डॉर्थी ने चाचा को चीका के साथ एक नया खेल भी खिलाया। चाचा, अब तुम्हें चीका की पीठ पे अपनी उंगली से कोई अक्षर लिखना है। फिर चीका सोच कर बताएगा कि वो कौन सा अक्षर है। ठीक है मिस डॉर्थी। चीका, बताओ ये कौन सा अक्षर है? तुमने एस लिखा है चाचा, इससे मुझे गुदगुदी हुई। मिस डॉर्थी ने चाचा को ये भी दिखाया कि किस तरह वो हवा में अक्षर लिख सकता है। पानी में भी। चलो आओ चाचा, अब हम हवा और पानी में लिखते हैं। डॉर्थी ने चाचा को बीजों की मदद से बड़े बड़े अक्षर लिखने को कहा। चलो आओ चाचा, अब अक्षरों के ऊपर से कूदो। ए, बी, अब जब चाचा ने अलग अलग तरीकों से अक्षर लिखना सीख लिया था, उसकी उंगलियां और भी मजबूत हो गईं। उसे अक्षर और भी अच्छे लगने लगे थे। ए,
बी। और फिर मिस डॉर्थी ने चाचा को एक कलर्ड पेंसिल्स का डब्बा दिया। चाचा, अपना पसंदीदा रंग उठाओ और उस रंग से किताब में कुछ अक्षर लिखो। ठीक है मिस डॉर्थी। चाचा ने एक चमकदार नीली पेंसिल चुनी और कुछ अक्षर लिखने शुरू कर दिए। उसे आश्चर्य हुआ कि लिखना भी इतना मजेदार हो सकता है। वाह मिस डॉर्थी, लिखना मजेदार है और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। असल में मुझे लगता है ये बहुत आसान है। उस दिन जब चाचा अपने घर गया तो उसके पास अपने माता पिता को दिखाने के लिए कुछ था। माँ, पिताजी, देखिए, मैंने इस कागज पर आप दोनों के नाम लिखे हैं। शाबाश चाचा, हमें तुम पर बहुत नाज है। इसके बाद चाचा को लिखने में मजा आने लगा और उसने अपनी किताब में बहुत से अक्षर और शब्द लिखे। लिखना मजेदार और आसान है, बिल्कुल ऐसा जैसे हम याद करते हैं ए, बी और सी। अब मुझे लिखने में कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। बेबी टाकू अपने बगीचे में चल रहा था, तभी उसने घास पर कुछ चीजें देखी। वहाँ एक पत्ता था, कुछ चमकदार कंकड़, एक बीज, एक सूरजमुखी, एक पंख और एक समुंदर की कौड़ी। हाँ, बेबी टाकू ने वो चीजें उठा ली और ध्यान से उन्हें अपनी गाड़ी में रख लिया। फिर वो अपनी गाड़ी को चूचू और चाचा के पास ले गया। ओह, मुझे लगता है कि बेबी टाकू इन चीजों के बारे में जानना चाहता है। मुझे लगता है ये जानना चाहता है कि ये चीजें कहाँ से आई हैं। मेरे पास एक तरकीब है, चलो बेबी टाकू को बाहर ले चलते हैं और इनके बारे में बताते हैं। ओहा, हम इसे ये भी दिखा सकते हैं ये चीजें आती कहाँ से हैं। तो चूचू और चाचा ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो उन सबको अपने साथ बाहर घूमने ले जाएंगी। माँ, बेबी टाकू को कुछ चीजें मिली हैं और हम उसे ये दिखाना चाहते हैं कि वो कहाँ से आई हैं। क्या आप हमें बाहर लेकर चलेंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं ले चलूंगी। मैं थोड़ा खाना भी पैक कर लेती हूँ ताकि हम सब वहाँ पिकनिक कर सकें। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर निकले, चूचू ने अपनी माँ को गाड़ी रोकने को कहा। वो बेबी टाकू को एक पेड़ दिखाना चाहती थी। बेबी टाकू, इस पेड़ को देखो। तुम्हें जो पत्ता मिला वो इस पेड़ से आता है। वो देखो, वहाँ ऐसे ही और भी कितने सारे पत्ते हैं। ये ऐसे ही है जैसा तुम्हारे पास है। जो पत्ता तुम्हें मिला है, हो सकता है वो इसी पेड़ से गिरकर हवा के साथ उड़कर हमारे बगीचे में आ गया हो। बेबी टाकू को वो पेड़ और उसके पत्ते बहुत पसंद आए। उसने पत्तों को छूकर भी देखा जो बहुत मुलायम थे। फिर वो सब पहाड़ों की ओर निकल पड़े। तभी माँ ने एक झरने के पास गाड़ी रोकी। वहाँ बहुत सारे चिकने कंकड़ थे और सब लोग उन्हें पास से देखने के लिए आगे बढ़े। देखो बेबी टाकू,
ये कंकड़ झरने से नीचे बहकर आए हैं। बागीचे में जो चिकना कंकड़ मिला वो शायद यहीं से आया होगा। जब माली हमारे पौधों के लिए मिट्टी लाया होगा उसने उनके साथ वो कंकड़ भी उठा लिए होंगे। फिर माँ उन्हें एक बगीचे में ले गई। वहाँ बहुत सारे आड़ू के पेड़ थे। बेबी टाकू, देखो तो जरा यहाँ इस बगीचे में कितने सारे आड़ू हैं। जो बीज तुम्हें मिला वो ऐसे ही किसी आड़ू में से आया होगा। फिर माँ ने कुछ आड़ू तोड़कर बेबी टाकू, चूचू और चाचा को खाने के लिए दिए। ये आड़ू तो बहुत ही लाजवाब है बेबी टाकू। और देखो यहाँ बीच में इस आड़ू का बीज है। जो बीज तुम्हें मिला वो शायद किसी गिलहरी ने आड़ू खाने के बाद यूं ही फेंक दिया होगा। बीज। फिर माँ उन्हें एक खेत में ले गई। वहाँ सूरजमुखी के बहुत सारे फूल खिले थे। बेबी टाकू इस खेत को देखो, यहीं से आया है तुम्हारे पास सूरजमुखी। एक चिड़िया ने उस सूरजमुखी को तोड़ा होगा जो तुम्हें मिला और हमारे बागीचे में फेंक दिया। सूरजमुखी। फिर माँ उन सबको बीच पर ले गई। बच्चों ने एक सीगल को उड़ते हुए देखा। बेबी टाकू ये देखो, जो पंख तुम्हें मिला है वो ऐसे ही किसी सीगल का होगा। ये जरूर तब गिरा होगा जब सीगल हमारे बगीचे के ऊपर से उड़कर जा रही होगी। देखो यहाँ से आती है समुद्र की कौड़ी। लगता है हम उसे घर ले आए होंगे उस रेत के साथ जो हमने अपनी बाल्टी में इकट्ठा की थी पिछली बार। समुद्र की कौड़ी। बेबी टाकू ये जानकर बहुत खुश था कि जो चीजें उसे मिली वो कहाँ से आई थी। वो बीच पर अपने परिवार के साथ पिकनिक करके भी बहुत खुश था। जब वो घर लौटे तो बेबी टाकू ने चूचू को समुंदर की कौड़ियाँ दी जिसे वो सजाने में इस्तेमाल कर सकती थी। उसने चाचा को रॉक कलेक्शन के लिए कंकड़ दिए। माँ को बालों में लगाने के लिए सूरजमुखी दिया। फिर बेबी टाकू ने पंख को अपनी हैट में लगा लिया। फिर सब लोग एक साथ बगीचे में आए और वहाँ एक बीज उगाया। चूचू, चाचा, चीकू और चीका सभी एक ही स्कूल में जाते थे। वो एक बड़ा स्कूल था जिसमें बहुत सारे हॉलवेज थे। चाचा बहुत शरारती था। वो इन हॉलवेज में दौड़ा करता था। एक दिन चाचा इतनी तेजी से भाग रहा था कि गलती से उसकी टक्कर एक छोटे बच्चे से हो गई जो वहाँ से गुजर रहा था। वो छोटा लड़का वहीं गिर गया और उसको चोट भी लग गई। आओ, ओ, ओ, आओ। जो कुछ भी हुआ उसे देखकर चाचा थोड़ा डर गया था, तो वो छुप कर देखने लगा। जैसे ही कुछ बच्चे और एक टीचर उस छोटे लड़के की मदद करने के लिए आए। मुझे चोट लग गई। हाँ?
चाचा चुपचाप अपनी क्लास में बैठ गया। उसकी टीचर मिस डॉर्थी वहाँ बच्चों के साथ एक गेम खेल रही थी, पर चाचा को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने आप को उस हादसे के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। चलो बच्चों, हम सब एक गेम खेलते हैं। मैं तुम सबको एक अल्फाबेट का लेटर दूंगी और तुम्हें उससे शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स बताने होंगे। तो हम शुरू करेंगे लेटर ए से। ए से होता है एप्पल। चलो बच्चों, जल्दी से एक और वर्ड बताओ जो शुरू होता है ए से। एक्सीडेंट। हाँ, एक्सीडेंट शुरू होता है ए से। अब मुझे एक वर्ड बताओ जो शुरू होता है लेटर बी से। ब, ब, ब्लड। क्या तुमने अभी वर्ड ब्लड कहा चाचा? मेरा मतलब है ब्लड। रिसेस के समय भी चाचा बस अकेला ही बैठा रहा। वो अपना लंच भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे उस छोटे बच्चे की चिंता हो रही थी। मुझे चोट लग गई। जब अगली क्लास शुरू हुई उस वक्त भी चाचा बहुत परेशान था। चाचा, जरा पढ़ो जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। चाचा। हाँ? मिस डॉर्थी ने महसूस किया कि चाचा किसी बात को लेकर परेशान था। वो उसे एक तरफ ले गई और फिर उससे बात की। सुनो चाचा, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? हाँ मिस डॉर्थी। चाचा ने फिर मिस डॉर्थी को उस एक्सीडेंट के बारे में बताया। ओह चाचा, हो सकता है किसी ने उस छोटे बच्चे को फर्स्ट एड दे दी हो? मुझे नहीं पता। चलो चाचा, हम पता करते हैं। मिस डॉर्थी चाचा को उस लड़के की क्लास में ले गईं। खुशकिस्मती से स्कूल की नर्स ने उसे फर्स्ट एड दे दी थी और उसकी पट्टी भी कर दी थी। फिर चाचा ने उस लड़के से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी। मुझे हॉलवे में नहीं दौड़ना चाहिए था। चाचा को लग रहा था कि वो छोटा बच्चा बहुत परेशान होगा, पर वो तो एकदम शांत बैठा था। उसने एकदम से चाचा को माफ कर दिया। फिक्र मत करो चाचा, वो तो एक एक्सीडेंट था। चलो आओ, अब हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। हाई फाइव। हाँ? चाचा को अब अच्छा लग रहा था। उसने मिस डॉर्थी को उनकी मदद के लिए शुक्रिया कहा। शुक्रिया मिस डॉर्थी, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं हॉलवे में नहीं दौड़ूंगा। अच्छी बात है चाचा। चाचा ने अपना वादा पूरा किया और उसने हॉलवे में दौड़ना बंद कर दिया। जब भी उसे कोई ऐसा करता हुआ दिखता तो वो उन्हें रोक देता। रुको, इस तरह हॉलवे में नहीं दौड़ते। ये कहानी है खूबसूरत शहर स्कॉट्सडेल की, जहाँ सुबह सूरज निकलते ही चहल पहल शुरू हो जाती थी। उसी शहर के एक घर में चूचू नाम की एक लड़की रहा करती थी। प्यारी चूचू सुबह उठ गई थी और स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अचानक उसे रसोई से ऐसी भीनी खुशबू आई कि उसके मुंह में पानी आने लगा। उसकी माँ नाश्ता बना रही थी जो जाने वाला था उसके लंच बॉक्स में। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। खुशबू अच्छी है, क्या है?
ये है मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी, स्पाइसी चिकपी सैंडविच। क्या ये नाश्ते के लिए है? ये तुम्हारा लंच है। यम्मी, थैंक यू मम्मी। चूचू, तुम्हारी स्कूल बस किसी भी वक्त आती होगी, तो अब हमें चलना चाहिए। मैं तैयार हूँ, चलो चलें। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल, घूमे सारा दिन। बस के पहिए घूमे गोल 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 गोल। बस के पहिए घूमे गोल गोल गोल, घूमे सारा दिन। उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे। अब उसे इंतजार था लंच की घंटी बजने का। क्या तुम थोड़ा सा चिकपी सैंडविच लेना चाहोगी जो मेरी मम्मी ने बनाया है? जरूर लूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूचू ने लंच बॉक्स खोला तो देखा सैंडविच गायब था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लगता है किसी ने तुम्हारा सैंडविच खा लिया है और लंच बॉक्स को खाली छोड़ दिया। रो मत, हम इसका पता लगा लेंगे। चलो, तुम मेरा लंच खा सकती हो। फिर उन दोनों ने लंच खाया और वो सेब भी जो चूचू लेकर आई थी। फिर दोनों क्लास में चली गईं। लगता है तुम्हें नींद आ रही है। चलो चूचू, सोने का टाइम हो गया। अगले दिन मेरे साथ लंच कर लो। लगता है कोई जानकर तुम्हारे साथ ये मजाक कर रहा है। हमें इस चीज को खत्म करना ही होगा। पर हम ये कैसे करेंगे चीकू? हम दोनों ही खा सकते हैं तेज मिर्च वाला खाना। अपनी मॉम को कहना कि कल सैंडविच में और मिर्च डाल दें। मुझे विश्वास है कोई उसे नहीं खा पाएगा, और वो नहीं खा पाएगा तेज मिर्च वाला सैंडविच। बात तो काम की है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। मम्मी,
क्या आप मेरे लिए दो सैंडविचेस बना सकती हैं और उनमें तेज मिर्च डाल सकती हैं? जरूर बेटा। जरा ध्यान से, मिर्च काफी तेज हो सकती है। बाय बाय मम्मी, लव यू। बाय बाय, लव यू टू। चूचू और चीकू ने जल्दी से जाकर देखा, हैरी भागता जा रहा था बॉयज टॉयलेट की तरफ। फिर वो दोनों गई लॉकर तक और उन्हें मिला आधा खाया हुआ सैंडविच। हाँ? दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। उस दिन के बाद से चूचू का लंच कोई नहीं चुराता था और वो उसे बांटती थी चीकू के साथ। वो एक खुशनुमा और खिला हुआ दिन था। चूचू और उसके दोस्त स्कूल में थे। दिन में जब स्कूल बेल बजी तो बच्चों को याद आया कि वो लंच का समय था। अरे वाह, ये है लंच टाइम। मुझे सच में भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। सभी बच्चे अपने अपने लंच बॉक्सेस के साथ स्कूल कैफेटेरिया की ओर जाने लगे। कसली पहले से ही वहाँ था और उसने अपना खाने का डिब्बा खोल लिया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ रसीले अंगूर दिए थे और एक पीनट बटर सैंडविच भी। पर कसली का तो सारा ध्यान ये देखने में था कि बाकियों के लंच बॉक्सेस में खाने की क्या क्या चीजें हैं। चीका के टिफिन में तो स्पेगेटी है और चीकू भी वही लाई है। पर चूचू का लंच तो सबसे बढ़िया है। उसके पास तो चीज पिज्जा है जो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। चीज पिज्जा तो कसली को बहुत पसंद है। जब चूचू ने कसली को पिज्जा को देखते हुए देखा तो उसने अपना लंच बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। कसली, क्या तुम तो मेरे पिज्जा की एक स्लाइस लोगे? हाँ चूचू, धन्यवाद। कसली ने चूचू के पिज्जा की सबसे बड़ी स्लाइस ले ली और उसे खा गया। ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। दरअसल मैंने इतना अच्छा पिज्जा पहली बार खाया है। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है चूचू। कुछ देर बाद चूचू पानी लेने के लिए उठी। मैं आप ही वापस आती हूँ दोस्तों। जैसे ही चूचू अपनी टेबल छोड़ के गई, कसली फिर पिज्जा को देखने लगा। ये पिज्जा तो बहुत अच्छा है, मैं इसे पूरा खाना चाहता हूँ। चूचू की मॉम ने जरूर उसके लिए घर पर और पिज्जा रखा होगा। अब तो कसली के मन में लालच आ गया था और उसने पिज्जा वाला लंच बॉक्स उठाया और भागना शुरू कर दिया। कसली इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ जा रहा है। तभी वो एक कुर्सी से जा टकराया और जमीन पर गिर गया। पिज्जा के स्लाइसेस भी जमीन पर फैल गए। ओ, नहीं! चूचू कसली के इस बुरे बर्ताव को देखकर सदमे में थी, पर फिर भी उसने खड़े होने में उसकी मदद की। उम्मीद है तुम्हें चोट नहीं लगी होगी। चोट नहीं लगी चूचू, पर तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने तुम्हारा पिज्जा ले लिया। मैं सच में शर्मिंदा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट था। चूचू का पिज्जा लेने का कसली का वो फैसला बहुत गलत था, पर फिर भी वो कसली को देखकर मुस्कुराई। मुझे खुशी है तुम्हें मेरी मॉम के हाथ का पिज्जा पसंद आया। मैं कल उन्हें लंच के लिए दो पिज्जा बनाने को कहूंगी।
और मैं उन्हें कहूंगी कि तुम्हारे लिए खास तौर पर एक बड़ा सा पिज्जा बनाएं। इस तरह से तुम्हारे पास अपने लिए पूरा एक पिज्जा होगा और फिर मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि तुम मेरा लंच लेकर भाग जाओगे। कस्ली अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा था और वो शुक्रमंद था कि चूचू ने उसकी गलती के लिए उसे माफ कर दिया था। चूचू का शुक्रिया करने के लिए उसने उसके साथ अपने अंगूर और सैंडविच भी शेयर किए। चूचू, क्या तुम मेरा खाना खाना चाहोगी? शुक्रिया कस्ली। कस्ली और चूचू ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर खाना खाया और फिर कभी भी कस्ली ने किसी का खाना नहीं चुराया।